नमस्ते बच्चों, आज इस वीडियो में हम 40 तक बिना उधार के घटाव करना सीखेंगे। आज कैफी अखबार में आने वाले घटाव की पहेलियों को हल कर रही है। आइए इन पहेलियों को हल करने में कैफी की मदद करें। एक पेड़ पर कुल 39 सेब हैं, उनमें 4 सड़े सेब हैं। पेड़ पर कुल कितने ताजा सेब हैं? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हल किया जाए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आइए देखें इस पहेली में क्या लिखा है। कुल 39 सेब हैं और 4 सेब खराब हो गए हैं। चलिए घटाव करके इसका उत्तर ढूंढते हैं। पहले हम इकाई में लिखी संख्याएं 9 और 4 को घटाएंगे। 9 में 4 घटाव हुए 5। इसे हम यहाँ इकाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिखेंगे। अब हम दिहाई में लिखी संख्याएं 3 और 0 को घटाएंगे। 3 में 0 घटाव हो गए 3। आइए इसे हम यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिख लेते हैं। मुझे उत्तर में 35 मिला है। क्या आपको भी 35 मिला? क्या बात है दोस्तों, हमने कह दिखाया। आइए अखबार में अगला प्रश्न देखें। बॉम्बे में 35 चींटियां थी, कुछ समय बाद 13 चींटियां चले गई। बॉम्बे में अब कुल कितनी चींटियां हैं? आइए एक बार फिर घटाव करके इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम इकाई में लिखी संख्याएं 5 और 3 को घटाएंगे। 5 में 3 घटाव हुए 2। इसे हम यहाँ इकाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिखेंगे। अब हम दहाई में लिखी संख्याएं 3 और 1 को घटाएंगे। 3 में 1 घटाव हो गए 2। आइए इसे हम यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिख लेते हैं। मुझे उत्तर में 22 मिला है, यानी बॉम्बे में 22 चींटियां हैं। ये बहुत मजेदार है। मुझे खाना खाने जाना है। क्या आप मेरे लिए अखबार का आखिरी सवाल हल कर सकते हैं? ओह बढ़िया। आखिरी सवाल यह है कि एक खेत में कुल 38 जानवर हैं, 4 पैरों वाले 32 जानवर हैं। खेत में 2 पैरों वाले कितने जानवर हैं? आप इसका उत्तर ढूंढें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। दोस्तों, आज हमने 40 तक बिना उधार के घटाव करना सीखा।